जो पेशेंट आ रहे वार्ड में, बोल रहा हूँ मैं, बाथरूम का पानी वार्ड में आके थर रहा, बाथरूम का पानी बेड के नीचे आ रहा, वैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट को ठीक करने के लिए लाते हैं यहाँ पे, यहाँ से डेड बॉडी लाने के लिए नहीं लेके जाते। गुलबर्गा शहर के गवर्नमेंट जिम्स हॉस्पिटल में चल रही लापरवाही पर सोशल एक्टिविस्ट हारून खतीब ने नाराजगी जाहिर कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। हारून खतीब ने जिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां के हालात को देख मीडिया के जरिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन से तमाम इशू को सॉल्व करने की गुजारिश की है। जिम्स हॉस्पिटल में गंदगी इतनी ज्यादा है कि लोग हर जगह गुटखा खाकर थूक रहे हैं। हॉस्पिटल में गार्बेज और गंदा गटर का पानी आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। कई बार शिकायत करने पर भी जिम्स हॉस्पिटल के हालात नहीं सुधरे। हर रोज कई पेशेंट्स ओपीडी के लिए लाइन में खड़े होते हैं और स्टाफ की कमी की वजह से सीरियस पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। सोशल एक्टिविस्ट हारून खतीब ने तमाम डिटेल्स बताते हुए कहा, जिम्स हॉस्पिटल के कुछ जगहों पर बाथरूम का गंदा पानी जनरल वार्ड में आ रहा है जहां पेशेंट्स एडमिट होते हैं। गुलबर्गा शहर में एक बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो बनाया गया है, पर गंदगी और लापरवाही को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां ट्रीटमेंट किस तरह दिया जा रहा होगा। सोशल एक्टिविस्ट हारून खतीब ने कहा, अगर जल्द इस तमाम चीजों पर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute. Assalamu alaikum. मेरा नाम हारून खतीब है, बैशकू ट्वेल्पर फाउंडेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए थे, एक पेशेंट को एडमिट करे बोल के मेरे को कॉल आया, तो देखने के लिए मैं आया था। यहाँ पे इतनी लापरवाही चल रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी के इंतहान नहीं। मैं ऑलरेडी DHO को भी ऑलरेडी 2-3 बार मेमोरेंडम दे चुका हूँ इस बारे में, यहाँ पे मैनेजमेंट सही नहीं है बोलकर। यहाँ पे देखो आप, इतनी गलीजात है, पेशेंट को ठीक करने के लिए लाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो पूरा नाली का पानी पूरा अंदर, वही कहाँ बोले वहाँ गुटखा खा के थूक के भरे सो है। हर जगह इतनी लापरवाही चल रही है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी के इंतहान नहीं, पूछने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे। वहाँ पे ओपीडी में गए हम, ओपीडी में जाने के बाद एक जना खाली काम करने वाला है। कम से कम 300-350 पेशेंट थे वहाँ पे। अगर कोई सीरियस पेशेंट रहा है वहाँ पे, क्या उसकी जान चले जाना? उसके ज़िम्मेदार आखिर है तो भी कौन? हम मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं, सर यहाँ पे ऐसा लापरवाही चल रही, बोले तो हम क्या करना जी, हमारे ऊपर से परमिशन नहीं मिल रहा बोल रहे। तो इसके आखिर ज़िम्मेदार है तो कौन? पब्लिक आते रहेंगी, मरते रहेंगी, चले जाती रहेंगी, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। हमको तो ऐसा ही समझ नहीं आ रहा। हम एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को पूछे, सर ऐसा सा सीरियस कंडीशन में पेशेंट है बोल के बोले, तो उनको BP शुगर हार्ट है बोल के बोले। हम बोले तो हमको डॉक्टर साहब क्या बोल के जवाब देते मालूम हो? हमको भी BP है, शुगर है, हार्ट है, तो हम क्या करना बोल रहे। तो जब उनको इतना BP शुगर हार्ट रहने के बाद इन्हों यहाँ पे हॉस्पिटल में जॉब करने का मतलब हमको समझ नहीं आया। और रही बात, इतनी हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही है ना, मैनेजमेंट सही है ना पे, इतनी गलीजात अंदर वार्ड में, कहाँ बोले वहाँ थूक के भरे सो, पूरे कचरा वहाँ पे। आखिर मेरे को कुछ बात समझ नहीं है। मैनेजमेंट को मैं 2-3 बार कॉल करके भी बोला, सर यहाँ पे इतना बड़ा इशू चल रहा है, आप क्या कर रहे? बोले तो नहीं जी, हम क्या करना, हमारे ऊपर से परमिशन नहीं मिल रहा बोल के बोल रहे। ये आखिर गलीजात आप खुद आपके आँखों से देखो। देखो सर यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा गटर का पानी थरा हुआ है, उधर अंदर पे ज़रा भी साफ हॉस्पिटल बोलने का नाम ही नहीं है, पूरा काम बोले वहाँ गलीजात। तो आखिर मसला समझने नहीं आया सर। मैं ऑलरेडी RHO सर को भी मैं 2-3 बार मेमोरेंडम दे चुका हूँ इस तालुक से, उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हमारे को। लेकिन हॉस्पिटल में पब्लिक जो भी बीमार रहती ट्रीटमेंट के लिए आती, उल्टा यहाँ से बीमार होकर चले जाना पड़ रहा, डेड बॉडियाँ लेके कईयों डेड बॉडियाँ जा रही है यहाँ पे, आपके सामने दिख रहा ना। लेकिन अब बोलना क्या, अब वहाँ पे हम अंदर बोले सर ऐसा ऐसा है बोले, तो जो भी प्रैक्टिस को आ रहे हैं उन्हें खुद भी लापरवाही कर रहे हैं, जो सीनियर डॉक्टर है उन्हें भी लापरवाही कर रहे हैं। आखिर हम बोलना तो किसको बोलना? RHO भी एक्शन नहीं ले रहे ना कोई भी ले रहे। हमारे प्रियंका साहब भी एक बात बोले थे, कहाँ पर भी रंधे इतना साफ सफाई रहना, और रही बात जो भी रंधे सच के इस पे चलना बोल के बोले थे। यहाँ पे देखो इतना गलीजात चल रहा है, क्या बोलो मैं। किस डिमांड क्या है मतलब? हमारी डिमांड इतनी है, हमारे बैशकूत वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से, ये जो भी लापरवाही कर रहे हैं, जो गलीजात है, ये जो नाली का पानी थर रहा है, जो गुटके खा के थूक रहे, जो लापरवाही कर रहे, जो मैनेजमेंट सही नहीं है, ये ठीक होना चाहिए जल्द से जल्द। फिर नहीं बोले तो आने वाले दिन में हम रोड पर उतरेंगे,
फिर स्ट्राइक करेंगे, फिर हम आगे का प्रोसीजर तो कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी लापरवाही चल रही है यहाँ पे, ना मैनेजमेंट सही है ना पूरी, लापरवाही इतनी लापरवाही, लापरवाही की तो इंतहान ही नहीं है यहाँ पे। आप देखो इतना गलीजात है, किसको बोलना आखिर? RHO को बोले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाते, मैनेजमेंट को बोलते हैं, मैनेजमेंट भी कुछ भी नहीं बोलते। कि कम से कम 1.5 फीट पानी थरासो है, पानी पूरा वो बाथरूम का भी पानी इसमें ही आ रहा, हर चीज़ का पानी आ रहा। इतनी पूरी लापरवाही कर रहे, इसके जिम्मेदार है तो कौन आखिर, मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। हमारी यही डिमांड है, जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल को तवज्जो देके पूरा ठीक करना चाहिए। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute.